हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग। और हमने लास्ट क्लास के अंदर फिफ्थ लेसन जो है वो स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी का, ठीक है। और फिफ्थ लेसन जो हमने स्टार्ट किया था उसका नाम क्या है हमारा, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ये लेसन हमने स्टार्ट कर दिया था और हमारी इसकी जो है एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था हमने, लेसन नंबर 5 हमारा चल रहा है, ठीक है। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि सबसे पहले जो हमने एक वर्ड पढ़ा था जेनेटिक के बारे में, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जिसे हम कहते हैं। जेनेटिक के बारे में हमने ये देखा था कि आनुवंशिकी क्या होती हैं, जिसके अंदर दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, एक तो वंशागति और एक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इन दो चीज़ों का, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका वंशागति और विविधता का सिद्धांत, विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये शब्द जो है सबसे पहले हमने बात की थी, विलियम बेटसन ने दिया था, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर ये बोल रहे थे, मैंने जैसे कि पिछले कमेंट्स चेक किए थे तो उसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम आनुवंशिकता का जनक तो मेंडल को कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। मैंने कब बोला कि भाई आनुवंशिकता का जनक मेंडल को नहीं कहा जाता है, जब मैंने मेंडल का जीवन परिचय पढ़ाया था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि आनुवंशिकता का जनक जो है वो मेंडल को कहा जाता है। बट ये शब्द जो है ना, बात है शब्द की, ये वर्ड जो है सबसे पहले यूज़ किसने किया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जो शब्द है वो यूज़ किसने किया था, वो विलियम बेटसन ने किया था, ठीक है। बाकी जेनेटिक का या यूँ कह सकते हैं आनुवंशिकता का जो जनक है, फादर भी कह सकते हो, जनक भी कह सकते हो, पिता भी कह सकते हो, तो वो किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमने आनुवंशिक की जो है वो पढ़ लिया था, आनुवंशिकी शब्द या जेनेटिक शब्द जो है वो पढ़ लिया था। और उसके बाद में हमने ये देखा था कि अच्छा आनुवंशिकी अलग है, आनुवंशिकता अलग है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें, आनुवंशिकी जेनेटिक को कहा जाता है, आनुवंशिकता जो है वही एक तरह की वंशागति है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आनुवंशिकी शब्द का उपयोग किसने किया था वो मैंने बताया था आपको, ठीक है। आनुवंशिकी के अंदर दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, एक तो वंशागति और एक होता है विविधता। वंशागति हमने देखी थी कि वंशागति का मतलब क्या होता है, कि जब लक्षण जो होते हैं, यानी आनुवंशिकी लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं, ठीक है, हेरिडिटी कहते हैं इसको। और विभिन्नताओं के बारे में हमने ये देखा था कि जब एक ही जाति के सदस्यों के मध्य बहुत सारी असमानताएं पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं विभिन्नता या विविधता, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने जीवन परिचय पढ़ा था, किसका, मेंडल का। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए थे। सबसे मेन हमने ये देखा था कि उन्होंने अपने जीवन काल में सन जो है 1856 से 1863, यानी 7 वर्षों तक उन्होंने एक उद्यान मटर पर कार्य किया था, है ना। वो चर्च में पादरी थे और वहीं पर रहते हुए उन्होंने क्या किया, उसके जो चर्च के बाहर जो एक गार्डन था उसके अंदर जो एक मटर का पौधा था, यानी कि बहुत सारी फल सब्जियां उगाते थे तो वहाँ पे मटर के पौधे भी थे और उसे हम उद्यान मटर के नाम से जानते हैं। उद्यान मटर का ही साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। और उन्होंने उस पर 7 वर्षों तक कार्य किया था, ये हमने मेन चीज़ देखी थी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडल ने किस पौधे पर कार्य किया, मटर के पौधे पर कार्य किया, ठीक है। अब मटर का पौधा ही क्यों चुना था उन्होंने, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। क्या कारण रहे कि उन्होंने मटर के पौधे को ही चुना, किसी और पौधे को उन्होंने नहीं चुना। लास्ट क्लास के अंदर बार बार एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था कि मैम ये बताओ कि मटर के पौधे को क्यों चुना, मटर के पौधे को क्यों चुना। मैंने उस क्लास के अंदर भी आपको 2 से 3 बार शायद ये चीज़ बताई थी कि हम इसे आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम एक क्रम वाइज चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं फटाफट से सारी चीज़ें एक एक साथ बता दूँ। आप टेंशन मत लीजिए, इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक, जैसे हमने 4 चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, वैसे ही इस चैप्टर के अंदर भी मैं आपका कोई टॉपिक नहीं छूटने दूंगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हो कि वो बताओ वो बताओ, सब आ जाएगा धीरे धीरे। सारी चीज़ें जो हैं
आ जाएगी इसके अंदर, कोई टॉपिक नहीं छूटने वाला, ठीक है। बट जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम पे, बस आप उस पर फोकस कीजिए भी, ठीक है। अच्छा, जीवन परिचय पढ़ लिया था हमने, और हमने ये भी देखा था कि मेंडल के सफल होने के कारण क्या क्या रहे, मेंडल को सफलता क्यों मिली थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। दूसरा हमने ये देखा था कि जो उन्होंने पौधा सेलेक्ट किया था मटर का पौधा, वो बहुत सोच समझ कर किया था, और उसके रीज़न भी आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको और भी चीज़ें बताई थी कि जैसे तीन वैज्ञानिक और आए थे, उन तीनों वैज्ञानिकों ने भी पहले मेंडल ने जो कार्य किए थे वही कार्य उन तीन वैज्ञानिकों ने भी किए थे, पर उनको सफलता हासिल नहीं हो पाई थी, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेंडल ने जो मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था, चुनाव किया था, क्यों किया था, क्या कारण रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो हम हेडिंग लगाएंगे यहां पर, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के चुनाव करने के कारण मेंडल ने मटर के पौधे का ही क्यों चुनाव किया था, इसके कारण क्या क्या रहे थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर और अभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूंगी बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप एग्जाम में लिख सकते हो, वैसे ही मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूंगी, और आपको क्या करना है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में उतारना है, ठीक है। और आई होप कि पिछले वाले जो आपके जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उन सभी के नोट्स आपकी कॉपी में तैयार होंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर जितने भी टॉपिक पढ़ाए थे वो सभी के सभी बोर्ड पे लिख दिए थे, जैसे आपको लिखने होते हैं नोट्स में वैसे के वैसे लिख दिए थे, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम के ऊपर भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला कारण उन्होंने क्या बताया कि मेंडल ने क्या किया कि मटर का पौधा चुनाव किया, बट क्यों किया। तो पहला कारण ये होता है कि मटर जो होता है वो एक वर्षीय पादप होता है। कैसा होता है? एक वर्षीय पादप, ठीक है। एक वर्षीय पादप होने के कारण मेंडल को बहुत सालों तक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, और बहुत कम समय के अंदर उनको अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करने का मौका भी मिल गया। देखो, पहली चीज तो ये समझो, पौधे आयु के आधार पर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे एक वर्षीय, या हम तीन मेन कैटेगरी के अंदर उसको बांट देते हैं, एक वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप और बहुवर्षीय पादप, ठीक है। तीन टाइप के हमने पौधों की कैटेगरी जो है वो बांट ली है, ठीक है। एक वर्षीय पादप किसे कहते हैं भैया? एक वर्षीय पादप यानी कि ऐसे पादप जो या जिनका जीवन काल जो है वो केवल एक ऋतु का या केवल एक वर्ष का ही होता है, उसे हम कहते हैं एक वर्षीय पादप। जिनका जीवन काल केवल एक ऋतु या एक वर्ष का ही होता है उसे हम कहते हैं एक वर्षीय पादप, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने अभी अभी बात की है मटर की, तो मटर का जो पौधा होता है वो कैसा होता है? एक वर्षीय पादप, यानी इसका जीवन काल जो है वो बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी इसके अंदर फल लगने लग जाते हैं, यानी फल का मतलब मटर लगने लग जाते हैं, बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और बहुत जल्दी इसमें मटर लगने लग जाएंगे, ठीक है। यानी नई पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी आपको, तो नई पीढ़ी प्राप्त होगी तभी तो हम देखेंगे कि भाई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहे हैं, कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। नया पौधा बनेगा तो उसमें कैसे लक्षण आए हैं तभी तो हमें पता चलेगा, जब एक नई पीढ़ी आएगी हमारे सामने तो नए मटर के दाने आएंगे सामने, ठीक है। तो एक वर्षीय पादप का समझ में आ गया, मतलब
द्विवर्षीय का मतलब जिनका जीवन काल दो वर्ष का या दो ऋतु का हो उसे हम कहते हैं द्विवर्षीय पादप। ये वैसे बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि ये चीज़ें सभी को आनी चाहिए, बट फिर भी बच्चों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, छोटे छोटे वर्ड्स में भी समझ में नहीं आता कि ये क्या होता है, तो इसीलिए मैं वापस बता रही हूँ आपको। द्विवर्षीय पादप का मतलब जिनका जीवन काल दो ऋतु या दो वर्ष का होता है उसे हम कहते हैं द्विवर्षीय पादप। एक एक एग्जाम्पल ही बताऊँगी मैं आपको। इसका हो गया मान लो गाजर, ठीक है, गाजर जो होती है वो दो ऋतु के अंदर उगाई जाती है, ठीक है, ये दो ऋतु तक उसका जीवन काल होता है। बहुवर्षीय पादप का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, बहुत वर्षों के अंदर यानी बहुत सालों तक वो जीवित रहते हैं, फल लगने के बाद में भी वो नष्ट नहीं होते हैं या वो उनका जीवन काल समाप्त नहीं होता है, जबकि इनके अंदर एक बार फल लग गया तो उसके बाद में उनका आयु जो होगी वो समाप्त हो जाएगी। जैसे मटर है, तो एक बार मटर लग गए, ठीक है ना, अब ये ज़िंदगी भर थोड़ी कि उसी पौधे पे ज़िंदगी भर मटर लगते रहेंगे, उसके बाद में उनका जीवन काल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन बहुवर्षीय पादप में क्या होता है कि एक बार फल लगे, जैसे एग्जाम्पल सबसे बड़ा आपका जो फेवरेट एग्जाम्पल है वही ले लो, आम सभी को पसंद होते हैं, आम का पौधे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आम के अंदर एक बार फल लग गया तो ऐसा नहीं है कि अब ज़िंदगी में कभी फल लगेगा ही नहीं, अगली ऋतु जब आएगी उसकी, है ना, गर्मी के मौसम में लगते हैं ना, तो अगली ऋतु जब आएगी तो फिर से उसके अंदर पुष्पन की क्रिया होगी, यानी कि उसके अंदर फूल लगेंगे, पुष्प लगेंगे और फिर से उसके अंदर क्या लगने लग जाएंगे, आम लगने लग जाएंगे। तो इनका जीवन काल अगर आप देखो आम का, नीम का या ऐसे कुछ बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनका आप जीवन काल देखो तो बहुत ज़्यादा लंबे समय का होता है, ठीक है, 10, 15, 20, 25, 30 वर्ष का इतना जीवन काल उनका होता है, 50, 60, 70 जो भी है, कुल मिला के दो वर्ष से ज़्यादा होता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं बहुवर्षीय पादप। अब एक चीज़ ध्यान देना कि मेंडल ने जो हम कारण क्या पढ़ रहे हैं कि भाई मटर के पौधे का ही चुनाव किया, क्यों किया, तो पहली चीज़ तो मटर का पौधा कैसा पादप है, एक वर्षीय पादप है, एक वर्षीय पादप है अगर ये, तो इसके अंदर जल्दी जल्दी क्या होगी, नई पीढ़ियाँ आ जाएगी, यानी एक ऋतु के अंदर ही इसके अंदर, यानी कि एक वर्ष के अंदर ही इसके अंदर फल लगने लग जाएंगे, और नए फल लगने का मतलब नई पीढ़ी आना, और नई पीढ़ी आ रही है तो मतलब आप लक्षणों की वंशागति को देख सकते हो, क्योंकि मटर के मान लो कि दो मटर के पौधे लिए, दोनों के बीच में संकरण करवाया, संकरण करवाने से जब नया पौधा बना तो नए पौधे के अंदर जब नए मटर के दाने उगेंगे तो उन मटर के दानों में ही तो हमें देखना है कि क्या विभिन्नताएं आई है, या उन पौधे में जो नया पौधा बनेगा उस पौधे में ही तो हमें देखना है कि क्या विभिन्नताएं आई है, या क्या वंशागति हुई है, किन लक्षणों की वंशागति हुई है, है ना। मान लो कि आपने लंबे हाइट वाला पौधा लिया, एक छोटी हाइट वाला पौधा लिया, दोनों के बीच में संकरण करवाया, अब नया जो पौधा बनेगा वो लंबी हाइट का होगा या छोटी हाइट का होगा या बीच वाली हाइट का होगा, ये कब पता चलेगा, जब नया पौधा बनेगा। तो नए पौधे को अगर मान लो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है बनने में, जैसे कि अगर हम बहुवर्षीय पादप की बात करें, आम की बात करें, तो उसमें बहुत साल लग जाते हैं बड़ा होने में, अगर इतने सालों तक वेट करेंगे तो बहुत सारे लक्षण जो है उनको वंशागति को दर्शा ही नहीं, वंशागति का पता ही नहीं लगा पाएंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग तो क्या, जो मेंडल ने काम किए उसके आधार पर कह रही हूं मैं, ठीक है। तो ये एक वर्षीय पादप होता है जिसकी वजह से कम समय में बहुत अधिक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव हो पाया, ठीक है, लिख लो इस चीज को। मटर एक वर्षीय पादप होता है जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का कम समय तो क्या है, 7 वर्ष लग गए, देख लो एक वर्षीय पादप का चुनाव किया उसमें 7 वर्ष लग गए, क्योंकि बहुत सारे लक्षणों की वंशागति। अच्छा, आपको पता है कि 7 वर्ष के अंदर इन्होंने, आगे मैं बताऊंगी, 7 लक्षणों का वंशागति का अध्ययन किया था कि ताकि एक, और आपको ये भी पता है कि एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था इन्होंने, तो 7 वर्ष तो लगने ही है, क्योंकि एक वर्षीय पादप है, फटाफट से समाप्त भी हो जाता है ये इसका जीवन काल, जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव था। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया भाई, एक वर्षीय पादप था, ठीक है, बात खत्म। दूसरा देखते हैं, दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं कि जो मटर का पौधा होता है, मटर के पौधे के अंदर
कृत्रिम रूप से, सॉरी कृत्रिम रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से मटर के पौधे के अंदर प्राकृतिक रूप से स्व परागण की क्रिया पाई जाती है। यानी मटर के पौधे में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के या बिना किसी कृत्रिम रूप से या बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के ही उसके अंदर क्या होता है, स्व परागण हो जाता है। ठीक है, तो स्व परागण पहली चीज तो क्या होता है, स्व परागण आप सभी को पता होना चाहिए, पहले हम पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो स्व परागण सभी को क्लियर होना चाहिए। एक परागण की दो विधियां होती है, एक तो होता है स्व परागण, एक होता है पर परागण। स्व परागण किसे कहते हैं, जब किसी पौधे के, जो कोई मान लो एक ही पौधा है, ठीक है, एक ही पौधा है और उस पौधे के, जैसे मान लो ये पौधा है, इसके अंदर ये पुष्प लग रहे हैं, ये फूल लग रहे हैं, ये फूल लग रहे हैं, और मान लो कि इस पुष्प के अंदर, या एक लिंगी पुष्प है ये, मान लो, मान लो कि ये एक लिंगी ना होकर भी उभयलिंगी भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, उभयलिंगी भी बोल दो। जैसे मान लो उभयलिंगी पौधा है और इसके अंदर जैसे मान लो ये दो पुष्प हैं, ठीक है, दो पुष्प है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ये नर जननांग है और इसमें जो है ये मादा जननांग है। मादा जननांग कौन होता है, इसके अंदर तीन भाग होते हैं मादा जननांग के अंदर, ठीक है, सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, फिर नीचे वर्तिका और फिर अंडाशय। और ये जो नर जननांग है पुंकेसर, उसके अंदर आपको पता है सबसे ऊपर परागकोश होता है, फिर पुतंतु होता है, ठीक है। अब इसमें परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण, जब ये परागकण उसी पौधे के, यानी देखो पौधा एक ही है, पौधा कोई चेंज नहीं है, पौधा वही है, जब परागकण उसी पौधे के परागकोश से निकलकर या पुंकेसर के परागकोश से निकलकर उसी पौधे के स्त्री जननांग की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं स्व परागण। यानी परागण की क्रिया उसी पौधे के अंदर हो रही है, परागण की क्रिया उसी पौधे के पुष्प के अंदर हो रही है, चाहे वो उसी फूल के अंदर हो या उसी पौधे के दूसरे फूल के अंदर हो, लेकिन हो वहीं पर रही है, एक ही पौधे के अंदर परागण की क्रिया हो रही है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, स्व परागण। ठीक है, और पर परागण का मतलब किसी और पौधे पर, मान लो यहां पर कोई और पौधा है, यहां पर पुष्प है और यहां पर मान लो कि इसकी जो है स्त्री जननांग है, ठीक है, जायांग है, इसको स्त्री जननांग को जायांग बोलते हैं, तो जायांग है, तो यहाँ से परागकण निकलकर, इस परागकोश से परागकण निकलकर मान लीजिए कि इसकी जायांग पर पहुँच रहे हैं या वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं दूसरे पुष्प की, देख लो ये दूसरा पौधा हो गया, पुष्प ही नहीं, सॉरी दूसरा पौधा ही दूसरा हो गया, तो एक पौधे से परागकण निकलकर दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पर परागण। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जो मटर का पादप होता है, मटर का पादप के अंदर, मटर के पादप में क्या होता है, कृत्रिम रूप से स्व परागण होता है, प्राकृतिक रूप से स्व परागण की क्रिया होती है। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति के द्वारा हो रही है, कोई मनुष्य उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर रहा, यानी कि मेंडल को खुद को वहां पर स्व परागण करवाने की क्रिया नहीं करवानी पड़ी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि मटर में कृत्रिम रूप से स्व परागण की क्रिया होती है। अगर मटर में स्व परागण की क्रिया कृत्रिम रूप से हो रही है तो मेंडल को बाहर से कोई भी क्रिया करनी नहीं पड़ी, तो इसको बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लक्षणों की क्या हो गई, शुद्धता प्राप्त हो गई या शुद्ध लक्षणों की प्राप्ति हो गई, यानी शुद्ध लक्षण हुए, बाहर से कोई लक्षण आए ही नहीं, उसी पौधे के लक्षण प्राप्त हो गए। ठीक है, शुद्ध लक्षण हुए, बाहर से कोई संक्रमण करवाया ही नहीं, तो शुद्ध लक्षणों की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो मेंडल को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के शुद्ध लक्षणों या लक्षणों की शुद्धता प्राप्त हो गई।
दूसरा कारण समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, दूसरा कारण समझ में आ गया होगा। अब देखो, प्राकृतिक रूप से तो इसमें स्वपरागण की क्रिया हो ही रही है, यानी इसके अंदर परपरागण की क्रिया प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकती, लेकिन इसके अंदर कृत्रिम रूप से परपरागण की क्रिया भी करवाई जा सकती है। अब कृत्रिम रूप से परपरागण की क्रिया होगी तभी तो नए लक्षणों का पता चलेगा। कृत्रिम रूप से का मतलब मानव के द्वारा, यानी मेंडल ने इसके अंदर परपरागण की क्रिया भी करवाई, हो सकती है इसलिए करवा दी। पर परागण की क्रिया करवाने से क्या फायदा होगा, दो लक्षण मिलेंगे, एक पौधा दूसरा एक लंबा हाइट, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक लंबे हाइट वाला पौधा एक छोटे हाइट वाला पौधा, दोनों ही पौधे अलग लगे तो उसके मान लो कि एक के नर युग्मक को लिया दूसरे के मादा युग्मक को लिया, दोनों को मिला दिया, यानी एक के परागण को लेकर दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर डाल दिया, तो ये हो गई परपरागण की क्रिया, यानी कि इसके अंदर कृत्रिम रूप से परपरागण की क्रिया भी करवाई जा सकती है। देखो कितने फायदे हो गए, मतलब सारे फायदे दिख रहे हैं इसके अंदर, जो जो चाहिए वो सारे फायदे दिख रहे हैं। पहला तो एक वर्षीय पादप था, ये भी फायदा हो गया, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। दूसरा भी इसके अंदर स्वपरागण की क्रिया हो सकती है तो लक्षणों की शुद्धता भी बनी रहे और नए लक्षण भी मान लो नहीं डालना चाहे तो मत डालें, ठीक है। और तीसरा जो अपना था क्या था कि मटर में कृत्रिम रूप से पर परागण की क्रिया करवाई जा सकती है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो कृत्रिम रूप से परपरागण करवाएंगे तो दो और भी नए लक्षण मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्या कारण था कि पौधा क्या होता है, मटर का पौधा छोटा होता है जिसकी वजह से इन्हें क्यारियों में आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। मटर का पादप छोटा होने के कारण इन्हें क्यारियों में आसानी से उगाया जा सकता है और इसके लिए इनको ज़्यादातर देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है, तथा इसकी अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है और इन्हें क्यारियों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ कि ये कट रहा तो नहीं है, हाँ अभी तक तो नहीं कट रहा है, यानी कि थोड़ा और हम लिख सकते हैं एक आधा पॉइंट, ठीक है। चलो एक और पॉइंट लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। अब देखते हैं हम कि मटर का पौधा जो होता है वो कैसा होता है। पहली चीज़ तो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, उसमें नर जननांग भी उपस्थित होता है और उसमें मादा जननांग भी उपस्थित होता है, तभी तो उसमें स्वपरागण की क्रिया होगी। अगर एक लिंगी होता तो स्वपरागण की क्रिया कैसे होती, एक लिंगी होता तो फिर तो उसके जो भी, अगर मान लो उसमें एक लिंगी का मतलब कि केवल या तो मान लो कि पुंकेसर होता तो पुंकेसर के परागकणों को किसी और पौधे पर जाना पड़ता, या केवल उसके अंदर जायांग होता तो दूसरे पौधे के पुंकेसर के परागकणों को वहाँ पर लाना पड़ता, ठीक है, बात तो एक ही है। तो इसके अंदर ये कैसा होता है, द्विलिंगी पादप होता है मटर का पादप, या मटर द्विलिंगी पादप है जिससे इसमें स्वपरागण की क्रिया करवाई जा सकती है। ये पॉइंट आप यहां पर खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। मटर का पादप कैसा होता है, द्विलिंगी होता है जिसके कारण इसमें क्या हो करवाई जा सकती है द्विलिंगी होता है जिसके वजह से इसमें क्या हो सकता है, स्वपरागण की क्रिया हो सकती है। नेक्स्ट है कि लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट है बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि मटर के पादप में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं जिसकी वजह से ही मटर का पादप का चुनाव किया गया मेंडल के द्वारा।
तो मटर के पादप में बहुत सारे विपर्य ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, बहुत सारे। अब कैसे कैसे होते हैं लक्षण और किन किन लक्षणों का चुनाव किया वो हम आगे पढ़ेंगे, बट मटर के पादप में बहुत सारे विपर्यासी लक्षण होते हैं और इनमें से मेंडल ने जो है वो 7 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। कितने? 7 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया, ये ध्यान रखें। कितना? 7। 7 वर्षों तक कार्य किया और 7 ही विपर्यासी लक्षणों का इन्होंने चुनाव किया, ठीक है। अब वो 7 विपर्यासी लक्षण कौन से हैं वो हम सारणी बनाकर समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ये जो है बिल्कुल आपकी कॉपी में ऐसे के उसे उतारने हैं आपको। एक्स्ट्रा चीज़ें आप और ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये 7 जो विपर्यासी लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका। हो गया, मिटा दूं? अब हम पढ़ते हैं कि जो मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षण जो लिए थे वो कौन कौन से थे। इसके अंदर 7 लक्षणों का चुनाव किया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल ने कौन से 7 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहले हम एक सारणी बना देंगे। इधर आप लिख सकते हो क्रम संख्या, ठीक है, थोड़ा सा साइड में लिख लेती हूँ। एक तरफ आप लिखोगे लक्षण, कौन कौन से लक्षण लिए थे और लक्षण में भी कौन सा लक्षण इसका प्रभावी था। प्रभावी या अप्रभावी क्या होता है वैसे मैं आगे बताऊंगी, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए कि प्रभावी वो लक्षण होते हैं जो अपना प्रभाव प्रकट करते हैं या अपने आप को प्रकट कर देते हैं अगली पीढ़ी में, तो वो तो हो गए प्रभावी। अप्रभावी का मतलब जो अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाते हैं, है ना, जो कब नहीं कर पाते हैं, जब प्रभावी लक्षण उपस्थित हो उसकी उपस्थिति में जब वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते हैं तो उसे अप्रभावी कहते हैं। तो यहाँ पर जो लक्षण थे उसमें से कौन प्रभावी था, कौन सा प्रभावी होता है और कौन इसके अंदर अप्रभावी होता है, ये अभी से आप जान लेंगे तो आगे जो आने वाले प्रयोग हम करने वाले हैं बहुत सारे उसमें आपको पता रहेगा कि अगर प्रभावी वाला है तो वही प्रभाव दिखाएगा, वो अप्रभावी उस समय अगर विषम युग्मजी अवस्था है। विषम युग्मजी क्या होता है वो भी आगे पढ़ेंगे। तो विषम युग्मजी अवस्था में अप्रभावी जो एलील होता है अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। अब आया है एलील शब्द, वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे नई नई चीज़ें सीखेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले एक नंबर डालकर आपको क्या लिखना है, पहला जो इन्होंने लक्षण लिया था वो लिया था तने की ऊंचाई। क्या लिया था? तने की ऊंचाई। अब तने की ऊंचाई के अंदर इन्होंने क्या देखा था कि भाई आप तने की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब लंबापन, ठीक है, या तो तना लंबा था या तना बोना था। तो तने की ऊंचाई के दो लक्षण हो गए, या तो लंबा या फिर बोना, ठीक है। तो प्रभावी जो था वो तो कौन था? लंबा, यानी कि लंबापन जो है वो हमेशा प्रभावी होता है। अगर लंबेपन का एलील उसके अंदर है, जीन है उसके अंदर, ठीक है, तो वो अपना प्रभाव प्रकट करेगा। एलील जीन क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लंबा और अप्रभावी जो था उसके अंदर वो कौन था लक्षण इसका? बोना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फूल का रंग। फूल का रंग इन्होंने लिया था और फूल का रंग जो प्रभावी प्रकार का था वो तो कौन था? बैंगनी। कौन था? बैंगनी। और अप्रभावी जो था वो कौन था? सफेद। सफेद, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि इन्होंने तीसरा जो लक्षण दिया था वो दिया था फूल की स्थिति। याद करने का तरीका मैं बता दूंगी इसमें। फूल की स्थिति, फूल की स्थिति कैसी है भाई? अगर प्रभावी के अंदर देखें तो वो कैसी होनी चाहिए? अक्षीय, अक्ष पर लगे हुए फूल हैं, या वो शीर्ष पर लगे हुए फूल हैं तो शीर्षस्थ,
अक्षीय या शीर्षस्थ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब हम ले लेते हैं फली को। एक तना लो, दो फूल लो, एक फली लो। फली का आकार ले लेते हैं पहले। फली का आकार कैसा था? फली का आकार यानी कि जो मटर की फली होती है ना, वो कैसी थी? फूली हुई थी। यानी कि आप इसमें तो क्या लिखोगे? प्रभावी में फूली हुई, और इसमें आप क्या लिखोगे? सिकुड़ी हुई। यानी कि वो मुरझाई हुई है, कहीं मुरझाई हुई तो नहीं है या सिकुड़ी हुई तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फली का रंग। फली का रंग देख लेते हैं, यानी कि वो जो फली का रंग है, फली का रंग जो है वो कैसा है? फली के रंग के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रभावी जो है वो तो हो जाएगा क्या? हरा, और अप्रभावी में क्या हो जाएगा? पीला। अप्रभावी में क्या हो जाएगा? पीला। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं छठा जो लक्षण था वो था बीज का आकार ले लेते हैं। बीज का आकार, तो बीज के आकार के अंदर हम देखते हैं कि बीज कैसा है। प्रभावी में हम क्या ले लेंगे? गोल, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, गोल, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? सिकुड़ा हुआ। गोल या सिकुड़ा हुआ, ठीक है। तो बीज कैसा है? ये गोल है या फिर ये सिकुड़ा हुआ है, कैसा है? यानी मुरझाया हुआ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सातवां और लास्ट जो लक्षण था वो था बीज का रंग। बीज का रंग, तो बीज के रंग के अंदर देखा कि इनका जो प्रभावी लक्षण होता है वो तो होता है पीला, और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो होता है हरा, पीला और हरा। तो इन्होंने ये सात लक्षण लिए थे अपने प्रयोग के लिए। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको प्रभावी और अप्रभावी स्थिति का ध्यान रखना है। कौन अपना प्रभाव प्रकट करता है और कौन अप्रभावी होता है, ये जरूर ध्यान रखना है। अब देखो आपको कैसे याद रखना है, एक तना ले लो, ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, ये तो याद हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम याद यहाँ पर ये आती है कि हमें लेना क्या क्या है। तो एक तो ले लो तना, ठीक है, दो फूल, दो सेम फली, मतलब फली लेनी है सेम फली, वो वाली नहीं, ठीक है, और दो लेना है क्या? बीज। फूल तना लेना है, एक तने सिर्फ एक एक ही बार यूज करना है। फूल दो, फली दो, बीज दो। तने की केवल ऊंचाई ध्यान रखनी है। तने में आप क्या लिखोगे? ऊंचाई तो देखेंगे, बार बार तो बहुत बार शब्द आ जाता है तने की ऊंचाई, लंबा बोना, लंबा बोना, तो ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर फूल का रंग, फूल की स्थिति, फूल का रंग, फूल की स्थिति, रंग कैसा है और उसकी स्थिति कैसी है? रंग बैंगनी है या सफ़ेद है? बैंगनी प्रभावी है, सफ़ेद अप्रभावी है। ठीक है, स्थिति अक्षीय है या शीर्षस्थ है? फली का आकार और फली का रंग, आकार रंग, आकार रंग, देखो बीज में भी सेम है, बस फली लेनी है दो बार, बीज लेना है, बाकी आकार रंग, आकार रंग। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, आकार में तो कोई नहीं आएगी, चलो फूला हुआ है या सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, और फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है। रंग में भी चलो हरा पीला, ठीक है, फली का रंग जो है वो आपको हरा रंग जो है वो प्रभावी होना चाहिए, और यहाँ पर अप्रभावी में आप पीला रंग लिख लोगे। ठीक है, बीज का आकार है, गोल है या सिकुड़ा हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीज फूला हुआ है, ठीक है, या फूला हुआ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या गोल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गोल है या फिर वो मुरझाया हुआ है या सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, और बीज के रंग में आपको पीला हरा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, एक तो बीज के रंग में आती है और एक आती है फली के रंग के अंदर, दोनों में मिस्टेक करोगे कहाँ पर? इन दोनों में, कि पीला किस में लिखना है और हरा किस में लिखना है। तो भैया आपको ध्यान रखना है फली का रंग, आपको पता ना नॉर्मल फली कैसी होती है? हरा रंग की, हरे रंग की होती है नॉर्मली, ठीक है, तो वो उसका पहले आपको हरा लिखना है और बाद में अपने आप पीला आ जाएगा। और इसमें भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार इसमें हरा लिख दिया तो इसमें जस्ट इसका उल्टा लिख लो, पीला रंग लिख लो। आगे बात समझ में? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, गोल की जगह यहाँ पर एक काम करो, जूरीदार लिखो आप, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सिकुड़ा हुआ नहीं लिखना है, जूरीदार, जूरीदार यानी मुरझाया हुआ, ठीक है। हाँ चलो अब ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। हो गया,
चलो अब आपको यहाँ पर कुछ शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें हम कहेंगे आनुवंशिक शब्दावली। यानी कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर बोर्ड में इनसे संबंधित एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ कि आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बताइए कारक और जीन किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर और भी समजात गुणसूत्र असमजात गुणसूत्र किसे कहते हैं, ठीक है, प्रभावी अप्रभावी क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्दों या युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। बहुत ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये तो फेवरेट है एग्जामिनेशन या यूँ कह सकते हैं एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये युग्म विकल्पी किसे कहते हैं, और बार बार शब्द भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को आपको पहली चीज़ तो जानना है, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परिभाषा मैं आपको बता दूंगी, समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे बार बार यही वर्ड यूज़ होंगे, बार बार ये आएंगे, देखो इसके युग्म विकल्पी ये है वो है। पहले युग्म विकल्पी होते क्या हैं वो तो समझ लें हम, ठीक है। तो आनुवंशिक शब्दावलियों के अंदर कुछ शब्दों को पढ़ना है, एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बताइए युग्म विकल्पी किसे कहते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं समजात और असमजात गुणसूत्र। समजात इसे हम कहते हैं होमोजाइगस, ठीक है, व असमजात गुणसूत्र, सॉरी होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस, शायद ऐसा कुछ कहते हैं, असमजात गुणसूत्र क्या होते हैं, समजात और असमजात गुणसूत्र किसे कहते हैं। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको ये तो पता है कि कोई भी बेबी होता है, नया बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें उसकी प्रत्येक कोशिका के अंदर आपको ये पता है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मनज बनता है, ठीक है, और शुक्राणु के अंदर होते हैं 23 गुणसूत्र, अंडाणु के अंदर होते हैं 23 गुणसूत्र, और जब उनसे युग्मनज बनता है तो उसमें कितने हो जाते हैं 46 गुणसूत्र, ये आपको पता है। यानी कि एक नया जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर 23 गुणसूत्र कहाँ से आते हैं, अपनी माता से आते हैं, और 23 गुणसूत्र जो होते हैं वो अपने पिता से आते हैं प्रत्येक कोशिका में, और नई जो कोशिका बनती है जब युग्मनज तो उसमें 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहूँ एक बच्चा है या कोई भी एक सेल है जिसके अंदर गुणसूत्रों की बात करते हैं, उस गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर सब स्पेशली हम बात कर रहे हैं 2n टाइप की कोशिका की, द्विगुणित कोशिका की बात करें, जिसमें 2n टाइप की, जो 2n टाइप की कोशिका है यानी जिसमें 46 गुणसूत्र है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मनुष्य की बात करें तो हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 46, ठीक है। अब 46 के अंदर अगर मैं आपसे बोलूँ कि सातवां गुणसूत्र, मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए सातवां गुणसूत्र या आठवां गुणसूत्र या नौवां गुणसूत्र जो भी है, तो नौवां या आठवां सातवां जो भी गुणसूत्र है वो दोनों गुणसूत्र जो है वो कैसे हैं, जोड़े के अंदर होंगे, कैसे होंगे, हमेशा जोड़े के रूप में होंगे, ठीक है। ये शायद कट रहा है, एक बार चेक करने दो, हाँ थोड़ा कट रहा है, मैं ऊपर लिख लेती हूँ, थोड़ा ऊपर बना लेती हूँ, छोटा बना लेती हूँ उसको, समझना इस चीज़ को ध्यान से कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आठवां गुणसूत्र आपके शरीर की कोशिका का आठवां गुणसूत्र, तो आठवें गुणसूत्र का मतलब क्या है कि जो गुणसूत्र है वो जोड़े के अंदर है, और आठवें गुणसूत्र का मतलब वो एक गुणसूत्र नहीं है, वो कितने गुणसूत्र हैं, दो गुणसूत्र हैं। आठवें गुणसूत्र का मतलब दो गुणसूत्र है, बारहवां गुणसूत्र मतलब दो गुणसूत्र है, जितने भी हैं वो दो गुणसूत्र हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो डीएनए से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, वो डीएनए से बने होते हैं, ये गुणसूत्र भी डीएनए का बना है, ये गुणसूत्र भी डीएनए का बना है, ठीक है। अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं, पहली चीज मैं आपको बताती हूँ समजात गुणसूत्र के बारे में। सबसे पहला हम पढ़ते हैं समजात गुणसूत्र किसे कहेंगे, क्योंकि बार बार शब्द आएगा समजात गुणसूत्र में, ऐसा होता है वो ऐसे होता है, कुछ भी आएगा नाम आएगा तो अपने को पता होना चाहिए समजात गुणसूत्र क्या होता है। तो समजात गुणसूत्र किसे कहेंगे कि पहली चीज तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो दोनों ही या दो जोड़े के रूप में तो होंगी, ठीक है, दो गुणसूत्र होंगे जोड़े के रूप में होंगे। दूसरी चीज इनकी जो लंबाई या इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है, लंबाई में भी सेम होते हैं और आकार में भी ये कैसे होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। समजात गुणसूत्र की बात करें भैया, समान जाति के ऐसे समझ लो, ठीक है, समान, तो आकार और लंबाई में कैसे होंगे, ये समान होंगे।
दूसरी चीज, आपको ये पता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए का वो खंड, या डीएनए में मान लो यहां पर कोई खंड है, डीएनए का जैसे मान लीजिए कि यहां से लगाकर यहां पर एक खंड उपस्थित है, डीएनए का ये खंड है, ठीक है। और ये खंड जो है डीएनए का, ये किसी लक्षण का निर्धारण करेगा, कोई लक्षण पैदा करेगा। चलो मैं आपको यहां पर जीन भी बताई देती हूँ कि जीन किसे कहते हैं, ठीक है। जीन भी मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, एक और एक तरफ हम लिख लेते हैं जीन या कारक, जीन या कारक दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, जीन या कारक। जीन या कारक क्या होता है? डीएनए का वो खंड, जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए है, ये डीएनए है और इसका कोई खंड है, मान लीजिए कि यहां से लगाकर यहां तक का कोई खंड है, डीएनए का वो खंड जो पूरा का पूरा, ये डीएनए है, डीएनए का वो खंड जो पूरी तरह से किस में बदल जाए, आरएनए में बदल जाए, या डीएनए का वो खंड जो क्या बना ले, एक कंप्लीट आरएनए बना ले, डीएनए का वह खंड जो एक कंप्लीट आरएनए बना ले, ठीक है, इस खंड को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इस खंड को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए का वो खंड जो एक कंप्लीट आरएनए बना ले, इसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। जीन को ही पहले कारक कहा जाता था, मेंडल के समय में जीन को ही पहले क्या कहा जाता था, कारक। अच्छा आप सोचोगे कि मैम ये बताते बताते वो कहाँ से आ गए, इसमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए बता रही हूँ, पहले वो समझ लो आप, ठीक है। इसको थोड़ी देर यहीं पर रोको। जीन क्या होती है कि किसी भी डीएनए का वो खंड जो कंप्लीट आरएनए बना ले, उसे हम कहते हैं जीन। जीन को ही कारक कहा जाता था पहले, मेंडल के समय तक, पहले मेंडल जीन के बारे में जानते ही नहीं थे, ठीक है, तो कारक कहा जाता था। यानी कि आप ये समझ लो कि कारक नाम जो है वो तो किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। और जीन जो शब्द है वो दिया था जॉनसन ने, किसने दिया था, जॉनसन ने, ठीक है। अब अगर ये आरएनए है तो ये आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब जाके आगे वाली सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये डीएनए है, डीएनए का कोई भी खंड जो क्या बना ले, पूरा का पूरा कंप्लीट आरएनए बना ले, उसे हम जीन कहते हैं। और जीन, आरएनए जो है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, किसी भी प्लांट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ये तो सभी जीवों में होती है प्रक्रिया। आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन ही शरीर के अंदर लक्षणों का क्या करता है, निर्धारण करता है, यानी कोई लक्षण पैदा करेगा। मान लीजिए कि आँख का कलर है, आँख का कलर है, ठीक है, काला है, नीला है, या कोई और कलर है, तो वो जो कलर है वो किसकी वजह से आएगा, एक प्रोटीन की वजह से आएगा, कोई स्पेशल प्रोटीन बनेगा शरीर के अंदर, उस प्रोटीन की वजह से आएगा। और प्रोटीन जो होंगे, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन के ही बने होते हैं, तो एंजाइम्स भी या प्रोटीन आप शब्द में उपयोग ले लीजिए, वो प्रोटीन किसी लक्षण को पैदा भी करेगा, और वही प्रोटीन एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ले जाएगा, यही प्रोटीन दूसरी पीढ़ी में जाएगा। यानी कि माता पिता के, या कोई माता है, माता के आंखों का रंग मान लो हरा है, हरा तो होता ही नहीं है, नीला है मान लो, या भूरा है कलर, ठीक है, भूरा मान लो, भूरा है माता का आंखों का कलर, अगर बच्चे के अंदर भी कलर भूरा आ रहा है, इसका मतलब वही प्रोटीन जो माता के अंदर था, वही प्रोटीन किसमें आया, बच्चे के अंदर आया, आया ना, इसी को तो हम वंशागति कह रहे हैं। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, एक पीढ़ी यानी मम्मी से कहाँ चला गया, बच्चे के अंदर चला गया, तो लक्षण कहाँ से आ गए, मम्मी से बच्चे के अंदर आ गए, यानी वो लक्षण लेके कौन आ रहा है, कोई प्रोटीन लेके आ रहा है, प्रोटीन किससे बना है, आरएनए से बना है, आरएनए किससे बना है, डीएनए के खंड से, और डीएनए का खंड कौन है, जीन है। मतलब जीन जो है वो क्या कर रही है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कर रही है, ये जीन ही तो वो है जो एक पीढ़ी से लक्षण को दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन की परिभाषा आप कैसे लिख सकते हो कि वह इकाई, या आनुवंशिकता की वह इकाई, या वंशागति की वह इकाई, ये लिख सकते हो आप, वंशागति की इकाई जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का भी काम करती है और लक्षण को प्रकट करने का भी काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन और कारक दोनों ही एक है। मेंडल के समय में कारक शब्द का उपयोग होता था और उसके बाद में जॉनसन ने जीन को ही क्या नाम दिया, सॉरी कारक को ही क्या नाम दिया, जीन नाम दिया। ये समझ में आई चीज़,
जीन या कारक समझ में आ गया होगा। अब वापस आ जाओ समझात और असमझात गुणसूत्रों पर, क्या होते हैं। देखो भैया, मैंने आपको बोला कि समझात गुणसूत्र, वापस एक बार समझेंगे, समझात गुणसूत्र पहली चीज़ तो जोड़े के अंदर होंगे कभी भी, ठीक है। असमझात गुणसूत्र भी जोड़े में होंगे, लेकिन ये भी जोड़े में होंगे। कोई भी गुणसूत्र है वो जोड़े के रूप में ही होता है। हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, वो 23 जोड़े के रूप में होते हैं, तो जोड़े के रूप में है, नो डाउट, ठीक है। अब इनकी लंबाई और आकार भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए, ये बिल्कुल सेम सेम दिखने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई, मैंने यहाँ पर कहा कि डीएनए का, मान लो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला इतना सा, इस क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर कोई जीन पड़ा है, जीन क्या है समझ में आइए ना, ठीक है। इसमें मान लो कोई जीन पड़ा है, और ये जीन जो है, मान लो कि ये क्या करता है, आँखों का रंग डिसाइड करता है, आँखों का रंग, ये जीन जो है वो आँखों का रंग कैसे, ये जीन जो है वो क्या बनाएगा आरएनए, मतलब ये जीन जो है, जीन क्या है, डीएनए का वो खंड जो आरएनए में आरएनए बना दे, ठीक है। और यही आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन ही लक्षणों का निर्धारण या लक्षणों को प्रकट करेगा। मान लो कि ये प्रोटीन कौन सा बना है, आँखों का कलर का प्रोटीन बना है, या आँखों के कलर को डिसाइड करने वाला प्रोटीन बना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो वो जीन है जो आँखों के रंग को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो दूसरे वाले गुणसूत्र में, पहला गुणसूत्र है जिसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर वो जीन पड़ा है जो आंखों के रंग को डिसाइड करेगा, तो दूसरे वाले गुणसूत्र में उसी स्थान पर, बिल्कुल सेम जगह पर, यानी यहाँ पर भी वही जीन होना चाहिए जो आंखों के कलर को डिसाइड करता हो। सेम उसी जगह पर वही जीन होना चाहिए, यानी कि दोनों के अंदर जीन जो होते हैं, एक ही लक्षण को उत्पन्न करने वाले जीन जो होते हैं, वो समान जगह पर या एक ही जगह पर अगर स्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि दोनों गुणसूत्रों के अंदर एक ही स्थान पर समान लक्षणों को उत्पन्न करने वाले जीन उपस्थित हों, उसे हम क्या कहते हैं, समझात गुणसूत्र। अगर इस स्थान पर आंखों के रंग को डिसाइड करने वाले जीन हैं, तो दूसरे वाले गुणसूत्र में उसी स्थान पर भी आंखों के रंग को डिसाइड करने वाले जीन उपस्थित होंगे। अब जैसे और भी, जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो कि आप कह दो कि ठीक है, इस वाले स्थान पर, जैसे मान लो इस वाले स्थान पर ये वाला कोई स्थान है, ठीक है, इसमें मान लो कि जैसे पौधे की ऊंचाई का लक्षण उत्पन्न करने वाला जीन उपस्थित है, तो दूसरे वाले के अंदर भी उसी स्थान पर पौधे की लंबाई यानी कि ऊंचाई को निर्धारित करने वाला जीन उपस्थित होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समझात गुणसूत्र होंगे। अब आते हैं हम असमझात गुणसूत्र पे। असमझात गुणसूत्र बिल्कुल इनके उल्टे हो जाएंगे, यानी कि, अच्छा एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। समझात गुणसूत्रों का एग्जाम्पल आप क्या याद करोगे कि मानव के अंदर जो 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, मानव में 22 जोड़े गुणसूत्र, यानी कई के गुणसूत्रों की बात कर रहा है, मानव में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल समझात होते हैं, कई के गुणसूत्रों की बात कर रहा है, ठीक है। तो मानव में 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, समझात गुणसूत्र होते हैं। और असमझात गुणसूत्र की बात करें तो मैंने क्या कहा कि असमझात गुणसूत्र किसे कहेंगे, जिसके अंदर जीन जो होंगे वो अलग अलग स्थानों पर हो जाएंगे। मान लो यहाँ पर कोई और जीन है, तो उसी दूसरे गुणसूत्र में उसी स्थान पर कोई दूसरा जीन होगा, यानी सेम जीन नहीं होंगे, उसे असमझात गुणसूत्र कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल हम क्या लर्न कर सकते हैं, मानव में 23वां जोड़ा गुणसूत्र, यानी कि दो गुणसूत्र, मानव में 23वां जोड़ा गुणसूत्र, जिसे हम लिंग गुणसूत्र या लैंगिक गुणसूत्र भी कहते हैं, जो लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, असमझात गुणसूत्र होते हैं। आगे बात समझ में, यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे पता है कि अभी बच्चे बोलेंगे कि मैम वापस समझाओ, या हमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बट प्लीज़ इसको एक बार वापस आप रिवाइज करके क्लास को देखना, ठीक है। मतलब बैक में करके इसको वापस रिवर्स में लेकर क्लास को फिर देखना, आप एक बार पीछे जाकर वापस एक बार जब आप क्लास को देखोगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएगी। फर्स्ट टाइम पे बहुत ही कम समझ में आती है, और कम समझ में इसलिए आती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बातों पे ध्यान देते हो, चैटिंग में ध्यान देते हो, तुम कहाँ से हो, तुम क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, अरे ये फालतू की बातें छोड़ो, जो समझा रही हूँ उसे समझ लो,
आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, बहुत ज़्यादा, और इसलिए मैं कमेंट देखने नहीं चाहती। मुझे गुस्सा आने लग जाता है कि ये फालतू की बातें करते हैं। अरे क्वेश्चन पूछना है आप, क्वेश्चन पूछो ना, क्वेश्चन पूछो आप, ठीक है मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन आप जो ये बातें करते हो उसकी वजह से दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये बात मुझे सबसे बुरी लगती है। और मैं हर बार हर क्लास में कहती हूँ, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन बच्चा कहाँ से है, क्या कर रहा है, किसके नंबर चाहिए, कुछ नहीं मतलब होना चाहिए। अगर आपका वो क्लासमेट है तो आप पर्सनली उससे जाकर बात करो, लेकिन यहाँ पर चैटिंग में कोई बात नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब कहते हैं कि भाई आप चैटिंग बंद कर दो, ठीक है मैं भी कहती हूँ कि आप चैट बॉक्स बंद कर दो, लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा चैट बॉक्स इसलिए भी ओपन कर सकता है कि कोई नया क्वेश्चन आ जाए उसके सामने, कोई और भी बच्चा क्वेश्चन कर रहा है ना, तो भी मान लो मैं उसका कोई क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ या ऐसा कुछ, तो कुछ देखने के लिए भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि वो चैट बॉक्स ओपन होता है, उनको पता ही नहीं होता कि इसको बंद भी कैसे किया जाए। तो आप फालतू के कमेंट ना करें, फालतू की बातें ना करें। आप अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो वो पूछिए आप, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछिए आप। फालतू की बकवास कोई नहीं करेगा क्लास के अंदर, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा होती हूँ, ठीक है। अब ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, समझात असमझात पढ़ लिया, जीन और कारक, जीन कारक एक ही है, समझात असमझात अलग है। जीन शब्द जॉनसन ने दिया, कारक मेंडल ने शब्द दिया था, ठीक है। कारक शब्द का उपयोग जो है वो मेंडल करते थे उस टाइम तक, जीन का अता पता भी नहीं था। जीन तो वही होता है बट उनको पता नहीं था कि इसको जीन भी कहा जाएगा आगे, ठीक है। जीन क्या होता है, डीएनए का वह खंड जो एक कंप्लीट आरएनए बना दे उसे जीन कहा जाता है, और आरएनए से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और जीन है वो क्या है, आनुवंशिकता की इकाई है या वंशागति की इकाई है। कहते हैं ना कि जीन क्या होती है, ये यूँ कह सकते हैं वंशागति इकाई किसे कहते हैं, जीन ही वो वंशागति की इकाई है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है और लक्षणों को उत्पन्न भी करती है। कैसे, क्योंकि इसी से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन जो है वो स्पेशल प्रकार के कोई ना कोई लक्षण पैदा करेंगे, ठीक है। अब समजात गुणसूत्रों में हमने क्या देखा था कि समजात गुणसूत्र आकार आकृति लंबाई वगैरह सब में समान होंगे, और उसमें एक ही स्थान पर समान प्रकार के लक्षण उत्पन्न करने वाले जीन उपस्थित होंगे, उसे हम कहेंगे समजात गुणसूत्र। एग्जांपल हमने क्या देखा, मानव में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र का होता है वो कैसा होता है, असमजात होता है, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो अब मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, एक शब्द और आएगा आपके, स्थल। देखो दो चीज़ें तो हमने पढ़ ली, एक तो समझात असमझात, एक जीन या कारक, और एक आता है स्थल। स्थल को ही हम कहते हैं लोकस, स्थल या लोकस कुछ नहीं है। स्थल क्या है कि जब समझात गुणसूत्रों का वह स्थान, समझात गुणसूत्रों का वह स्थान जहाँ पर कोई भी जीन उपस्थित हो या लक्षणों को निर्धारित करने वाली जीन, यानी ये जो जगह है, मान लो इस देखो इन दोनों के अंदर ये वो जगह है जहाँ पर हमने क्या देखा था कि आंखों का रंग डिसाइड करने वाली जीन उपस्थित है, तो ये जो स्थान है ना, इसी स्थान को हम क्या कहेंगे, स्थल या लोकस कहेंगे, ठीक है। जीन का लक्षणों को निर्धारित करने वाली जो जीन है वो समजात गुणसूत्र में जिस जगह पर उपस्थित होती है, जिस स्थान पर उपस्थित होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, स्थल या लोकस। स्थल स्थान हो गया, और स्थान कौन सा, जहाँ पर जीन उपस्थित होगी, किस में, समझात गुणसूत्रों में, उसे ही हम क्या कहेंगे, स्थल या लोकस, ठीक है। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है उसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और भी बेटर बेटर चीज़ें पढ़नी है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं समझोगे, सिर्फ मैसेज में ध्यान दोगे, कमेंट में ध्यान दोगे, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले, जैसे युग्म विकल्पी कैसे कहते हैं, है ना, आज रह जाएगा युग्म विकल्पी, थोड़ा अपन और अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो लंबी क्लास बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बच्चे इतने रुकते भी नहीं है, तो उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। युग्म विकल्पी वगैरह पढ़ेंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होते हैं, प्रभावी अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने पढ़नी है नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हमारी यहीं तक, थैंक यू सो मच, बने रहिए इन क्लासों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लासें पहुँचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। बहुत बढ़िया कमेंट आते हैं, जब अच्छा लगता है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे ये सारे चैप्टर जो आपने पढ़ाए हैं वो क्लियर हैं, हमें इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से हमें याद हो गए हैं, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा या मेरी जो भी हमारी जो कोचिंग है, अपनी जो कोचिंग है उसके द्वारा अगर
आपको कोई ऐसा मैटर मिल रहा है जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में बहुत फ़ायदा हो रहा है, आप अपने क्लास में ग्रोथ कर रहे हो, बच्चों से और भी अन्य बच्चों से अगर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, उनको भी पढ़ाइए, आप उनको भी बताइए क्लासें, और अगर आपका रैंक जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है तो बहुत ही खुशी मिलती है इस बात को जानकर, ठीक है। तो बने रहिए इन क्लासों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और क्लास हमेशा बताती हूँ 6:30 बजे बायोलॉजी की क्लास आती है और 8 बजे जो है आपकी वो आएगी केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।